Kiran and Ye! क्लिप देख के आपको तो आइडिया लग गया होगा कि ये सफर था केदारनाथ का। सो वी स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम बांद्रा रेलवे स्टेशन टू दिल्ली निजामुद्दीन, जो हमने ट्रैवल किया रात के टाइम पे। एंड अर्ली मॉर्निंग वी रीच्ड एट दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। एंड द पोस्ट के मालूम पड़ा हमारा ट्रेन है पूरे 2 घंटे लेट। सो वी वेटेड देयर एंड हैड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब हम रिटर्न आए तो मालूम पड़ा कि हमारा ट्रेन पूरा 6 घंटे लेट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी टुक अ कैब एंड निकल पड़े हरिद्वार के लिए। After leaving from Haridwar, हम फाटा रुके बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हमें ट्रैक करके ऑल द वे केदारनाथ से जाना था, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लिए। एंड देन मॉर्निंग होते ही हम निकल पड़े फॉर केदारनाथ। तो गाइज अभी हम लोग आने के टाइम पे यहाँ पर बहुत ट्रैफिक था, इसके लिए हम लोग ने गाड़ी सीतापुर में पार्क की है। अभी ऐसे हम लोग सोमप्रयाग चल के जाने वाले, बाकी ट्रेकर्स भी यहीं पर उतर गए। अभी हम लोग ऐसे चल के जाने वाले। सो आगे भी देखिए कि क्राउड, क्योंकि अभी हम लोग जब उतरे तो बहुत सारे लोग थे, बहुत क्राउड था, तो सबको साथ में चलना पड़ेगा। एंड वाकई में क्राउड बहुत था एंड हमें ऑल द वे लाइन लगते हुए शेयरिंग टैक्सी पकड़ना पड़ा। बट दोस्तों के साथ चिल करते करते हम शेयरिंग टैक्सी तक भी पहुंच गए एंड सोमप्रयाग भी क्रॉस कर लिए। और यहाँ पर बहुत लंबा लाइन है। अभी हम लोग लाइन से आते आते हुए आगे जा रहे हैं। अभी जो आप लोग देख रहे थे वो सभी के सभी लोग टैक्सी के लिए रुके हुए। एंड ये साल अक्टूबर में लोग भी यहाँ पर बोल रहे थे बहुत ज़्यादा क्राउड आए कंपेयर टू ईच एंड एवरी ईयर। तो गाइज हम लोग फाइनली सोमप्रयाग पहुँचे एंड यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एंड देख सकते हो कि सब लोग बहुत है, इस बार क्राउड बहुत है। तो अभी हम लोग ट्रेक के लिए जा रहे हैं और हम लोग भी सोचे थे कि क्राउड थोड़ा कम रहेगा, लेकिन क्राउड भी बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ से हम लोग को 16 किलोमीटर जाना है। अभी देखते हैं प्रकाश, पिछले बार तो आया तो क्राउड इतना था, एक नंबर। इसका तो 10% भी नहीं, इसका 10% भी नहीं था, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा है आज। हाँ ऑफ सीजन, हाँ ऑफ सीजन है। और जर्नी स्टार्ट हुआ, आगे हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, इसके लिए अभी यहाँ पर एक शॉप मिला हम लोग को, यहाँ पर रुक के हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एंड डायरेक्टली हम लोग को फिर 16 किलोमीटर, बीच बीच में थोड़ा रुकेगा नाश्ता वास्ता करने के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम 9:30 बजे रहा, इसके लिए हम लोग इधर पर रुके हुए एंड इधर से अभी डायरेक्ट निकले गए ऊपर, बीच बीच में रुक के डायरेक्टली केदारनाथ गए। हम लोग का नाश्ता हो गया है, नाश्ता होने के बाद अभी हम लोग निकले। अभी बाकी लोग पीछे रुके हुए, बट हम लोग होप कर रहे कि डे लाइट में हम लोग पहुंचे, इसके लिए हम लोग फटफट निकल रहे। सो ये पूरी जर्नी डेडिकेटेड है भोलेनाथ जी के लिए। सो हमारा जर्नी यहाँ से शुरू होता है।
और इस जर्नी में हमें एक दो नहीं अनेक वाटरफॉल देखने मिले, जो हम देखते देखते खुशी खुशी ऊपर चलते गए। पर इस यात्रा में हमारे कोई दोस्त आगे निकल गए तो कोई पीछे, बट सभी को एक चीज मालूम था कि हमें ऊपर पहुंचना है एंड सभी चल पड़े। आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 किलोमीटर क्रॉस किए रहे और आगे जाना है। ये थक गए दो और आगे है, चल रहे नॉन स्टॉप चल रहे विदाउट एनी रेस्ट। हम लोग चलते चलते आउट ऑफ नोवेयर क्लाउड्स आ गए, हम लोग को रेनकोट पहनना पड़ा। सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ एंड बारिश चालू, अभी भी धीमे धीमे बारिश है एंड यहाँ पर हम लोग एक वाटरफॉल देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट आउट ऑफ नोवेयर इतना ठंड बढ़ गया है अचानक से, अभी 2 मिनट पहले धूप था और अभी बारिश है। फिर से जोर से बारिश एंड जोर से बारिश होते होते अभी अचानक से यहाँ पर फॉग आना चालू हो गया। नीचे पहले हमें पूरा क्लियर दिख रहा था बट बीच में ही अचानक से फॉग आने की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। बारिश भी हो रहा है, फॉग भी आ रहा है एंड हम लोग को भी नहीं आना कितना किलोमीटर चले, बट आगे जाके हम लोग रेस्ट करने वाले क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, हम लोग कंटिन्यू कहीं भी रुके नहीं। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है एंड हम लोग एक वाटरफॉल की तरफ पहुँचे एंड अभी के नीचे
हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पूरा ठंडा पड़ गया, हाँ क्योंकि बारिश में भीगा है एंड हवा भी बहुत ठंडा है यहाँ पर, इसलिए मेरा हाथ पूरा ठंडा पड़ गया। रेनकोट भी अभी पूरा, पैर भी पूरा ठंडा, फिर भी चल रहे हैं नॉन स्टॉप। थोड़ा रामबाड़ा में ब्रेक लेने के लिए हम लोग रुक गए क्योंकि भूख भी लगा है एंड टाइम भी 2 बजे परफेक्ट। हम लोग इधर पे हम 3 ही ऊपर पहुँचे, तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ खाए के गर्म, हाथ भी पूरा फ्रीज हो गया, पूरा फ्रीज हो गया, आई कांट फील माई हैंड ऑल्सो। तो अभी थोड़ा खा पी के थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड निकल जाएंगे और 10 किलोमीटर हम लोग ऊपर जाना है। लोग जस्ट बैठे थे खाने के लिए एंड इधर से पूरा बर्फ गिरना चालू हो गया, फिर हम लोग अंदर आके रुक गए और हम लोग अंदर आके रुके बस मैगी खा रहे थे एंड बाहर पूरा बर्फ गिर रहा है। जितने भी लोकल जो चल रहे थे सब ये कैंटीन के अंदर घुस गए कि बहुत गंदा वाला बर्फ गिर रहा है। हमारा नज़र जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ वहाँ खूबसूरती, सो इसलिए हमारा हौसला कम नहीं हुआ और हम चलते गए चलते गए। छोटा लिंचा पहुँच गए एंड वो व्यू देखो, चलते चलते थोड़ा भारी गिरा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। थोड़ा थक गए तो रुके चाय पिए, अभी 6 से 7 किलोमीटर बाकी है, वो होते ही हम लोग ऊपर जाके रुकने वाले। आ गया, हम लोग बोलते हैं कि स्नो ट्रैक करने वाले, एक बात है जब आप ट्रैक करते हो तो आपको गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, बिकॉज दैट थिंग्स मेक यू मोर स्ट्रांग एंड मोर कॉन्शियस, सो प्लीज डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग। जब आप हिमालय ट्रैक पे आते हो यही चीज आपको सीखने को मिलती है। अभी हम लोग को C4 C5 किलोमीटर जाना है। अभी मिताली तेजल आगे चल रहे, थोड़ा डर गया था क्योंकि दोनों थोड़े डर गए थे, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, बट मेरे को इतना मालूम है कि मुझे मंदिर पहुंचना है एंड बारिश हवा बर्फ तक गिरा। तो टोटली डार्क हो गए, लाइट्स भी चालू हो गए, चल रहे चल रहे चल रहे, 1 घंटा लग सकता है 2 घंटा लग सकता है बट हम पहुंच के रहेंगे। रास्तों पर एक समय ऐसा भी आया कि हम ठंड में कांप पड़े बट फिर खाए मैगी और चल पड़े। अभी बज रहे 8:50, अभी भी हम लोग को 4 किलोमीटर चलना बाकी है। लेकिन हम लोग ने गिव अप नहीं किया, आई मेट माई फ्रेंड अगेन, शी नेवर गिव अप।
अभी हम लोग चले गए, लेकिन हम लोग एंड तक चले गए। She didn't lose her confidence. वो चलेगी बिना घोड़ा लेके चलेगी। गरम बूट पहनेगी। ये तेरे को भी बोल रहा है, बोल ले। ऐसे की ठंड बहुत है यहाँ पे पूरा, और बैटरी 1% स्नो पड़ा है, उसके बाद से हाइलाइट सबकी टाइट हो गई है। स्नो का पड़ा बर्फ गिरा, बर्फ गिरा, वही तो बर्फ गिरा, मतलब गारा जैसे पड़ा, उसके बाद बहुत बड़ी हालत टाइट हो गई, इसलिए हम लोग इतना टाइम लग रहा है। मुझे मजा आ रहा है दिवाली करने। मैं पूरा रास्ता मजे कर रहा हूँ, सब हंसते हंसते हमने स्टार्टिंग से बहुत एंजॉय किया, बट जब से ओले गिरने लगे तभी हमें बहुत तकलीफ लगी, बहुत तकलीफ लिए चली गई, घोड़े भी फिसल रहे हैं। मैं करके छोड़ूंगी, मैं गिव अप नहीं करेगी। हाय, अभी के बजे 11:30 एंड कितना किलोमीटर, आधा की भी आधा किलो, 200 मीटर पे है केदारनाथ। आई नो मेरा शक्ल नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ब्राइन ही हूँ। माइनस भी 6 डिग्री है, मतलब प्लस है, -6 डिग्री ठंडी है इधर, और चार जितना भी लेयर पहने भाई है ठंडी। ब्रायन हमारा हीरो, और हाँ क्या हीरो, उसको ठंडी नहीं लगती। सुबह 10:30 चालू किया था ट्रेकिंग, 11:30 पहुंचे हम लोग, और ये लोग भी मेरे साथ हैं। सोचा था सबसे पहले पूछूंगा, बट सबसे लास्ट पूछा, या आने का अलग ही फील है। फिलहाल तो बहुत थक गए, चलने की भी हालत में नहीं है, इधर तो सो नहीं सकती, इसके लिए चल चल के होटल जाना पड़ रहा है। मैं आपको मंदिर दिखा थोड़ा है, फाइनली मैं केदारनाथ मंदिर पहुंच गया, और वो भी टाइम के 12:10 एंड फाइनली मैं केदारनाथ के मंदिर में पहुंचा हूँ, एंड आपको दिखाता हूँ वो रहा मंदिर। मैं बहुत खुश हूँ, सॉरी।